सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अभी हम दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा की जो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 18 तक जिसमें आ चुके हैं। तो साथियों, अभी दीक्षा ऐप को समय समय पर अपडेट कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कई बार कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम आती हैं, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दीक्षा ऐप को अपडेट कर दिया जाता है। अपडेट करने के बाद में साथियों, इसमें से कुछ ऑप्शन नए आ जाते हैं और कुछ ऑप्शन हटा दिए जाते हैं। तो साथियों, अभी जब अपडेट करने के बाद में इस दीक्षा ऐप में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है, इसमें मेरे राज्य के कोर्स यानी माई स्टेट कोर्स नहीं दिखा रहा। माई स्टेट कोर्स नहीं दिखा रहा तो हम अपने राज्य के कोर्स में कैसे ज्वाइन होंगे? तो इस समस्या का आज के इस वीडियो में समाधान बताया गया है। वैसे तो साथियों, इसकी एक लिंक आती है, लिंक के द्वारा आप इन कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास लिंक भी अवेलेबल नहीं है तो आप इस दीक्षा ऐप में कैसे मतलब अपने कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तो उससे संबंधित आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, हम अपनी दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं तथा उसमें अपनी स्टाफ आईडी से लॉगिन होते हैं और फिर देखते हैं आगे कि अपने राज्य के कोर्स हम कैसे ज्वाइन करेंगे। साथियों, जो ही हम दीक्षा ऐप को ओपन करते हैं तथा कोर्सेज वाले ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पर पहले ऑप्शन आता था मेरे राज्य के कोर्स, वो ऑप्शन यहाँ से हटा दिया गया है। और इसके ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सभी देखें, इस पर क्लिक करके हम आगे देखते हैं। जब व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर माई कोर्सेज शोइंग 22 आइटम्स, यहाँ पर 22 कोर्स दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं साथियों, हम नीचे यहाँ पर देखो राज 18 और बाकी कोर्स नीचे हैं, क्योंकि राज 16 और राज 17 ये तीनों कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है। साथियों, जो पहले दीक्षा ऐप थी इसमें यहाँ पर मेरे स्टेट के कोर्स दिखाता था जिसमें लिखा हुआ है व्यू ऑल, यहाँ पर ऑप्शन है, इस व्यू ऑल पे क्लिक करते थे तो हमारे सामने स्टेट के सारे कोर्स शो हो जाते थे। तो साथियों, इसके लिए अब आपको क्या करना है, आपके फ़ोन में जो दीक्षा ऐप अपडेट की हुई है उस ऐप को आपको सबसे पहले अनइंस्टॉल करना है, यानी आपको दीक्षा ऐप को अपने फ़ोन से हटा देना है। हटाने के बाद साथियों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है जिससे आपको दीक्षा ऐप को दोबारा डाउनलोड करना है। साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को डाउनलोड नहीं करना है। इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस लिंक से आप दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे तथा उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए साथियों, ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा और अननोन रिसोर्सेज से इंस्टॉल करने के लिए कहेगा, तो आपको इसको यस करना है और उसके बाद में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में साथियों, आप अपनी स्टाफ आईडी से इसमें लॉगिन हो जाएंगे और वहाँ पर मेरे राज्य के कोर्स ये ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। साथियों, एक चीज़ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखनी है कि आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक से जो दीक्षा ऐप को आप डाउनलोड करेंगे उस ऐप को आपको प्ले स्टोर से अपडेट नहीं करना है। अपडेट कर लेंगे तो दीक्षा ऐप का लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा, तब मेरे स्टेट राज्य के कोर्स से वो ऑप्शन हट जाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।